बिलासपुर में जमीन विवाद के मामलों को निपटाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा है। लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन मामले निपटने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तक 26,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं, लेकिन अधिकारी दफ्तरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। बिलासपुर में क्यों बढ़ रहे जमीन विवाद के मामले? अधिकारी क्यों नहीं कर रहे मामलों का निपटारा? आखिर क्यों जज ने तहसीलदार को फटकारा? बिलासपुर की पहचान इन दिनों पेंडिंग पड़े जमीन विवाद के मामलों से भी होने लगी है। महीने दो महीने और साल दर साल मामले अटके रहते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनवाई करने को ही तैयार नहीं। हालात ये है कि यहाँ जज को पत्र लिखकर तहसीलदार को फटकार लगानी पड़ी। 26,000 मामले पेंडिंग, जमीन विवाद से जुड़े 26,000 से ज्यादा मामले यहाँ पर पेंडिंग है। नामांतरण, सीमांकन और डायवर्सन से जुड़े हुए ये मामले हैं। जमीन डायवर्सन के 500 से ज्यादा मामले हैं, नामांतरण के 800 से ज्यादा मामले हैं, विवादित कब्जा के 200 से ज्यादा मामले हैं, रिकॉर्ड में सुधार के 1,500 से ज्यादा मामले हैं। 2 से 4 साल तक न्याय के लिए भटक रहे लोग। ये तो रही पेंडिंग मामलों की बात, अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर तहसीलदार को फटकार क्यों लगी। कुड़ू दंड की जमीन विवाद के मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। 4 साल में जमीन की सीमांकन रिपोर्ट पेश नहीं की गई। जज ने 17 बार मांगी तहसीलदारों से सीमांकन रिपोर्ट। जज ने तहसीलदार को पत्र लिखकर फटकार लगाई। रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो कार्रवाई की जाएगी, ये कोर्ट ने कहा। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर मामले कहां अटक जाते हैं। अधिकारी मामलों को टालते हैं और परेशान होती है आम जनता। जमीन का सीमांतरण नामांतरण के लिए तहसील का चक्कर काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं इसका चक्कर 8-10 बार काट चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरा नहीं हो पाया है। जिस चीज़ को आज उसको कोई 50,000 में ना ले, वो चीज़ मेरे को आज वो 10-15 लाख रुपए में मेरे को दिया है। वही मेरे को बताया रोड किनारे का ज़मीन है, वो ज़मीन कहीं और है कोने पर, तो कार्रवाई नहीं हो रहा, इस कारण से मैं परेशान हूँ। इधर कोर्ट ने जब सख्ती दिखाई तो अधिकारी फाइलें ढूंढते फिर रही हैं और जल्द ही मामलों का निराकरण की बात करने लगे। सामान्यतः ऐसी स्थिति तो आती नहीं है, किसी भी उच्चतर न्यायालय से कोई भी प्रकार का अगर मामला आता है तो ध्यानपूर्वक समय सीमा पर करने की कोशिश रहती है। हमारे द्वारा जो भी शिकायतें मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। जैसे अगर अभी अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिलती है तो उस पर रोक लगाई जाती है, तथा नगर निगम के माध्यम से कार्रवाई भी की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर मामलों के निपटारे में इतनी देरी क्यों? अधिकारी लापरवाह हैं या फिर साठगांठ कर मामलों को लटकाया जाता है? वजह जो भी हो, लेकिन जनता परेशान है। आने वाले समय में देखना होगा कि कोर्ट की फटकार के बाद क्या जमीनों के जो मामले बिलासपुर में फैले हुए हैं विवादित, वो सुलझते हैं या और उलझते हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।